क्या आप जानते हैं कि आपका WhatsApp अकाउंट सिर्फ एक मिनट में हैक हो सकता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मेरे WhatsApp अकाउंट में ऐसा है ही क्या, कर लो हैक, तो दोबारा सोचिए। साइबर न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 50 करोड़ यूजर्स का WhatsApp अकाउंट हैक किया गया था। WhatsApp आजकल हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क तक सब कुछ यही होता है। एंड गेस व्हाट, हैकर्स को ये मालूम है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को सुपर सिक्योर कर सकते हैं। एंड फाइनली अ बोनस टिप, सो यू डू नॉट वांट टू मिस दिस वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर करना इम्पोर्टेंट ही नहीं, अर्जेंट क्यों है। व्हाट्सएप पे आप बात करते हैं अपने दोस्तों से, कलीग से, रिलेटिव से और अपनी फैमिली से, पर सोचिए अगर कोई आपकी ये पर्सनल बातें, पर्सनल फोटोग्राफ्स या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा ले। इसीलिए व्हाट्सएप को सिक्योर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, हैकर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ गलत कामों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि चोरी, फाइनेंशियल फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग के लिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये हैकर्स करते क्या हैं और क्यों हमारा डेटा स्टील करते हैं। ऐसे समझिए कि हैकर्स डिजिटल दुनिया के चोर हैं। इनका टारगेट होता है आपका डेटा, जैसे कि बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स, फोटोग्राफ्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इनका एम क्या होता है? तीन चीजें। पहले, पैसा कमाना। जी हाँ, ब्लैकमेलिंग या डेटा बेचकर ये अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। ब्लैकमेलिंग मोस्टली पर्सनल अकाउंट्स की तरफ टारगेटेड होती है। किसी की पर्सनल फोटोज चुराना या किसी के की कॉन्टैक्ट्स को परेशान करना, हरास करना और ये सब रोकने के लिए पैसे की मांग करना। दूसरा, सिर्फ मजाक या चैलेंज के लिए। कुछ हैकर्स को बस ये दिखाना होता है कि वो कितने बड़े सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं एंड कितनी आसानी से लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, जस्ट फॉर शोइंग ऑफ। और तीसरा रीज़न है कुछ सीरियस वजह से, जैसे कि कॉर्पोरेट स्पाइंग, ताकि वो आपकी कंपनी के सीक्रेट्स जान सकें, से आपकी प्राइसिंग और बिडिंग के बारे में, इनकम के बारे में या फिर आपके न्यू क्लाइंट्स के बारे में। एक और सीरियस रीज़न है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपका पॉलिटिकल रुझान किधर है, आप किन पार्टीज और किन लीडर्स को सपोर्ट या क्रिटिसाइज करते हैं एंड सो ऑन। इसलिए फ्रेंड्स, व्हाट्सएप सिक्योरिटी इज नो जोक। और अब हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ये सच है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि मैसेजेस के कॉन्टेंट को कोई भी, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप कंपनी खुद भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन कुछ तरीकों से हैकर्स आपके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं और फिर वो सब कुछ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं जो आपके व्हाट्सएप में है। व्हाट्सएप को सिक्योर बनाने में चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करें, आपका चैट स्क्रीन आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर मेनू में ये तीन डॉट्स क्लिक करना है सेटिंग्स ऑप्शन पर। यहाँ काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है अकाउंट पर। अकाउंट में सबसे पहला ऑप्शन होगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करें। इस स्क्रीन पर मिलेगी आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस ऑन दिस डिवाइस वाले स्लाइडर को ऑन या इनेबल करना है। इस ऑप्शन से ये कंफर्म कर सकते हैं आप कि आपकी कॉन्वर्सेशंस को कोई और तो नहीं सुन रहा। चलिए अब टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करते हैं। फिर से अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करें और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में तीन डॉट्स पर क्लिक करें और पहले की तरह सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सेटिंग्स में पहला ऑप्शन होता है अकाउंट, इस पर टैप करें। यहां आपको सेलेक्ट करना है टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन। अब आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आएगी जिसमें इनेबल लिखा होगा, उस बटन पर क्लिक करें और उसे इनेबल करें। यहां आपको एक 6-डिजिट पिन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ये पिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके अकाउंट को सिक्योर रखेगा। कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे पिन सेलेक्ट ना करें, हैकर्स को लेजी लोग बहुत पसंद हैं। दूसरा, अपने फोन नंबर के डिजिट्स यूज ना करें, ये भी गैस करना बहुत ईजी है।
कुछ ऐसा नंबर यूज करें जो सिर्फ आपको या आपकी फैमिली वालों को ही पता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंप्यूटर या फोन पर इस नंबर को, इस पिन को नोट ना करें। अगर जरूरत है तो किसी पेपर या डायरी में नोट करके सेफली स्टोर करें। चलिए तो अब अपना पिन एंटर करें और दोबारा सेम पिन एंटर करके कंफर्म करें। इस एक स्टेप को पूरा करने से ही आपने हैकर्स को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप में डालेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कभी बाई चांस आप पिन भूल जाओ तो आप इस ईमेल के थ्रू अपना पिन रीसेट कर सकते हैं। ईमेल एंटर करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर एक बार कंफर्म करने के लिए वही ईमेल एड्रेस डालिए। और हाँ, एंड में सेव पे क्लिक करना मत भूलिएगा। स्टेप नंबर 3, सिक्योरिटी इंप्रूव करने का थर्ड स्टेप है ये समझना, किसी भी ऐप को डाउनलोड करके उसको अपने व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस कभी मत दीजिए। ये ऐप्स छोटे छोटे फीचर्स देख के आपको लालच देते हैं और आपके सारे व्हाट्सएप के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी सारी पिक्चर्स मॉनिटर करते हैं और मौका मिलने पर सारी इंफॉर्मेशन का फायदा भी उठा सकते हैं। सारी ऐप्स गलत नहीं होती, बट माय प्रिंसिपल इज बेटर सेफ देन सॉरी। और बस हो गया, अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के साथ रेडी है। सो फाइनली वो बोनस स्टेप जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट करने के बाद ये टिप फॉलो करना बहुत अर्जेंट है। इससे आपको ये पता लगेगा कि कहीं कोई और आपके अकाउंट को आपकी जानकारी के बिना देख तो नहीं रहा। इसके लिए फॉलो करें ये स्टेप्स। फिर से अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करें और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करें। फिर आपको एक मेनू दिखेगा जिसमें लिंक्ड डिवाइसेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। क्या आपको यहाँ कोई भी ऐसी डिवाइस दिख रही है जो आपको पहचान में नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कोई ऑलरेडी आपके अकाउंट के सारे मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन देख सकता है, पढ़ सकता है जैसे वो मैसेजेस आए इमीडिएटली। पर घबराइए मत, हम इसे इमीडिएटली फिक्स कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो। इसके लिए पहले किसी एक डिवाइस पर टैप करें और उसके बाद सेलेक्ट करें लॉग आउट। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और इनको फॉलो करके आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो इस काम को टालिएगा मत प्लीज। जब आप ये सारे स्टेप्स कर ले तो कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो भी हमें कमेंट्स में पूछिए, हम सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करके आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यू केयर अबाउट समवन तो उनसे ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। आपके हर फॉरवर्ड से किसी की ऑनलाइन सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है और हम सब मिलकर एक दूसरे को हैकर्स का टारगेट बनने से बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी एकदम मत करिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने में तो एकदम ना झिझकिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की प्राइवेसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।